सो ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं सामने, दिस बिलोंग्स टू इंडिया, एंड ये वाला पहाड़, दिस बिलोंग्स टू पाकिस्तान, नो मैन्स लैंड। ये सारा पाकिस्तान, एक ही रात में आप पाकिस्तानी से इंडियन हो गए। ओके, सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, दैट इज थांग। और यहाँ से बॉर्डर काफी अच्छे से दिखाई देता है, LOC भी काफी अच्छे से दिखाई देती है, बिल्कुल क्लियर। लाइक मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखाता हूँ। ओके, सो ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं सामने, दिस बिलोंग्स टू इंडिया, एंड ये वाला पहाड़, दिस बिलोंग्स टू पाकिस्तान। और इसके बाद जितना भी टॉप में आपको व्यू दिखाई दे रहा है, ये सारे पहाड़ पाकिस्तान के। और ये हमारा है नीचे में, नीचे अपना है। अच्छा, अपना 0 पॉइंट है, हम नहीं जा सकते इस रोड पे। देखो नहीं, नहीं, अच्छा उधर आर्मी जा सकते हैं, मतलब हम लोग नहीं जा सकते। ओके, आर्मी की गाड़ी अभी भी खड़ा है अपने। हाँ हाँ, दिख रहा, दिख रहा है अच्छे से, बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया दिखेगा। तो पहाड़ भी इतने नीचे दिख रहे हैं मुझे। नो मैन्स लैंड, ऑब्वियसली नो मैन्स एंड विमेन्स लैंड। विमेन्स दुनिया को कंट्रोल करती है अगर सपोज, तो वॉर थोड़ी होती, लड़ाइयाँ थोड़ी होती, जस्ट अ बंच ऑफ कंट्रीज नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, है ना? एग्री? ज्यादा अच्छा नहीं होता। आप मेरी बात से एग्री करते हो? समझ आया ना आपको मैंने क्या बोला? रोड ना विनते फक्त क्या नाम है अंकल आपका? आपका मेरा नाम है अहमद शाह। अहमद शाह, तो आप पहले पाकिस्तान में? हाँ, पहले पाकिस्तान में था, उधर ही मतलब पैदा हुए। हाँ हाँ, उधर ही पैदा हुए। 25 साल मेरी उम्र था उस टाइम, 25 साल था मेरी उम्र, 25 साल। हाँ, 71 की लड़ाई से पहले, है ना? ठीक है, उम्र 25 साल का था। 25 साल, 71 की लड़ाई हुआ का। जो आप लोग को पता हो, इस टाइम पर आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। हाँ, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। नहीं हुआ, सही बात है। अच्छा, यहाँ यह था उलेश, टैक्सी उलेश, तुर्तू, वो चुरुंगा, ये सारा पाकिस्तान। यस, और इससे आगे जो एक ब्रिज नहीं है? हाँ जी, वहाँ वो बोगड़ा से इस आने पर एक ब्रिज है ना, ब्रिज है वहाँ, ब्रिज था पाकिस्तान था। तो आप पाकिस्तान में पैदा हुए, बाद में ये इंडिया के अंडर आ गया, फिर आप इंडियन बन गए। वहाँ तक पाकिस्तान था, ठीक है। फिर 71 की लड़ाई में, अच्छा, हिंदुस्तान में कब्जा कैसे 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 यहाँ थंग तक पहुँच गया, ठीक है। थंग तक पहुँचने पर क्या हो गया, हम लोगों ने से मिला, हम लोगों से मिलेगा तो हम लोगों से मिला, मिलने के बाद हम लोगों से बातचीत हुआ, ठीक है। अच्छा, अपना एक लद्दाख का एक मेजर रिंचेन था, ठीक है जी, जम्मू का एक मेजर सर था, मेजर एसके सिंह, उन दोनों ने फौज लेकर आकर हमारे यहाँ थंग में पहुँच गया, ठीक है। ताकि रात के को तो उन लोग आया होगा, हम लोग को सबेरे से मिल गया था उनसे, ठीक है। मिलने पर उन्होंने बोला, अच्छा तुम लोग डरना नहीं, अच्छा तुम लोग कुछ परवाह नहीं है, आराम से बैठो, क्या चीज़ का ज़रूरत है तो बताओ, क्या परवाह है तो बताओ, हम पूरा करेगा। और वो मेजर साहब दोनों ने, ठीक है, उन्होंने तो बहुत शुक्रिया हम लोग को। तो अभी पहले तो हम लोग थोड़ा हम लोग से जान पहचान भी नहीं है, आप हिंदुस्तानी हम लोग पहचान में रहा है, हम लोग से मिलने से थोड़ा हमारे दिल में डर तो होगा, बिल्कुल सही बात है। मगर अभी आप लोग से मिला, बहुत खुश हो गया। अच्छा, हम लोग बहुत खुशी है, आप लोग हमारी तमन्ना पूरा करेंगे, बोला हम लोग बहुत खुशी है, बोलो वेरी गुड। अच्छा, तुम्हारी क्या क्या कमी है तो बताओ, तुम हम दुरा रहा, हम लोग ने नमक का डिमांड दिया था, राशन का डिमांड दिया था, शाम को फौज के साथ राशन चला के यहाँ पहुँच गया। फिर हम लोगों ने बताया था, मेहरबानी करके आप लोगों से मिला, बहुत खुश हो गया मैं, मेहरबानी वो कहूँगी अपने अंदर लो।
वो सामने वाला जो गाँव है उसका नाम क्या है? फ्रानो। फ्रानो, फ्रानो, ठीक है। अपन अंदाजा क्या करे भाई साहब, आज रात 12 बजे सिक्स पैर का ऑर्डर आ चुका है। अच्छा। हाँ, इसीलिए हम वहाँ जाना नहीं सकता है, उन लोग यहाँ आ नहीं सकते, फेरबंदी पूरा बंद हो गया है। हम लोग जो इतना कहे वो तो दुरुस्त बात है। तो एक ही रात में आप पाकिस्तानी से इंडियन हो गए? हाँ बाबा, एक ही रात में हम पाकिस्तानी था फिर इंडियन। और आपके तो सारे रिश्तेदार उधर होंगे? हाँ, रिश्तेदार पूरा है ना, हमारा भाई है इधर गाँव में। हाँ, बहन था, भाई था, उन सब अभी डेड हो चुका। हमारा माता पिता भी था, उन लोग सब डेड हो चुका है। हमारा वाइफ भी था। अच्छा, वो उधर रह गए थे? वो भी उधर रह गया। तो फिर आप अकेले रहे इनका? इसके बाद मैंने फिर से यहाँ शादी कर दिया। अच्छा। वो 5-3 साल के बाद वो डेड हो गया था। अच्छा। मरे आई है तो यहाँ से जब आपको जाना होता है उधर, फिर तो आपको पूरा पीछे से घूम के यहाँ, अगर मैं वहाँ जाना तो यहाँ से ले जाना पड़ता है। ठीक है। ले हम पासपोर्ट बनाएगा। ठीक है। पासपोर्ट बन गया फिर हम दिल्ली जाना पड़ता है। दिल्ली है। अच्छा। दिल्ली में जो है ना हमारा पासपोर्ट लेकर जाएगा, वहाँ बोले पासपोर्ट ठीक है, तो उन लोगों ने ठीक है तुम्हारा पासपोर्ट ठीक है, तुम उस गाँव से वीजा मंगाओ। अच्छा। फिर हम फिर फोन से बात करना पड़ता है, वहाँ से फोन से बात करके हम वहाँ से हमारा रिश्ते है, भाई है, बहन है, जिसका नाम पर है उनको बताया, उन लोगों ने हमारा वीजा भेजेगा। मतलब यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर आगे जाने के लिए आपको दिल्ली जाना, ले से दिल्ली जाना पड़ता है, दिल्ली से वीजा, फिर आप सामने जा सकते हो। वाघा शहर से जाना पड़ता है। अच्छा। तो वहाँ से जाकर पिंडी जाना पड़ता है, पाकिस्तान का रावलपिंडी में, रावलपिंडी इस्लामाबाद में। हाँ जी। अच्छा। इस्लामाबाद पहुँचने पर यहाँ आने के लिए वहाँ से भी फिर भी पास बनाना पड़ता है, फिर आपको फिर घूम के इधर वापस आना। इसी घूमते घूमते कम से कम 2 महीने में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब सबसे ज्यादा जो लड़ाई का मतलब प्रभाव हुआ, इफेक्ट, वो तो आप लोगों के ऊपर हुआ है। हाँ, हाँ, हम ना तो अगर देखें सियासत वालों का तो क्या गया, क्या हो गया? ना इंडिया का कुछ गया, हाँ, ना पाकिस्तान का कुछ गया, कुछ जो यहाँ के लोकल थे उन्होंने सबसे ज्यादा झेला। बहुत दिक्कत जो है सिविलियन को होता है, सिविलियन को होता है। 99 में जो है करगिल लड़ाई आप लोग को सुना है? हाँ जी, देखा भी होगा। हाँ, सुना, सब देखा हुआ वो भी। अच्छा। करगिल लड़ाई में जो है यहाँ बहुत बमबारी हुआ था, हमारे गाँव में, इसी गाँव में हम लोग करके यहाँ पर लगा हुआ था, मतलब यहाँ पे बमबारी हुई थी। और यहाँ पर बमबारी हो गया। अच्छा। वहाँ पर लग गया हमारा जो इतना फसल का था ना, वो उड़ा कर कहाँ ले गया, कहाँ नहीं ले गया, पत्ता ही नहीं चला। अच्छा। बम की हवा से कहाँ लग गया, कहाँ ले गया, पता ही नहीं चला। है अभी हमारा भाई का लड़के, बहन के लड़के, रिश्तेदारों, चाचा, मामू का बच्चे लोग है वहाँ है। हम नहीं जाता है सर, हम जाना नहीं देता है। आप लोगों को मतलब उधर जाना नहीं देते? नहीं जाना। तो शंकर, जब लड़ाई हुई थी, हाँ, तो आपने इस चीज की डिमांड करी थी कि हमें वापस पाकिस्तान भेजा जाए? नहीं, वो तो डिमांड हिंदुस्तान मन गया था। ठीक है। हाँ, अपना हिंदुस्तान मन गया था। यहाँ से वो अफसर ने यहाँ से 2 आदमी भेजा था। ठीक है। तुम्हारा जितना आदमी है, थांग का, त्यासी का, तू का, चोंग का, बहुत आदमी है ना वहाँ का, पूरा पहले जमाने में पूरा कोई पढ़ने के लिए गया, कोई काम के लिए, करने के लिए गया, सब वहाँ रह गया ना, रह गया। वो सिर्फ वापस लाने के लिए 2 आदमी भेजा था। अच्छा। हाँ, यहाँ से ले जाकर वो जाकर वहाँ पाकिस्तानी पुलिस मिल के उनको चिट्ठी दे दिया था, चिट्ठी लेकर उनके पास दिया। ठीक है। उन्होंने पहले बात पर उन्होंने मान लिया, मान के उन्होंने पूरा आदमी इकट्ठा किया वापस भेजने के लिए। कहने के बाद एक हरामी आ गया उनको पास। अच्छा, तुम हिंदुस्तान क्या कर रहे, तुम लोग क्या दे रहा है, हिंदुस्तान क्या क्या करना है बताया ना। वो दोनों ने क्या कहा, हिंदुस्तान जैसा अच्छा वाला कोई नहीं है। उन्होंने हमको उसी दिन से हम लोग को राशन पानी नमक हर चीज हमारे पदों को बल्लू को बांध के दे दिया। अच्छा। हिंदुस्तान ऐसा इतना अच्छा है, तुम सारा लोग पूरा हरामी लोग, तुम वो हिंदुस्तानी बन गया, अभी कोई भी नहीं जाएगा बोल के उन सबको वहाँ उधर ही रख लिया सबको। तब से अभी तक यहाँ है। आप खुश हैं वैसे यहाँ पे? खुश हैं आप यहाँ पे या नहीं? हम लोग
पहले शुरू शुरू में थोड़ा महसूस था क्योंकि रिश्तेदार सब वहाँ रह गया। वो कहते हैं ना समय हर चीज को मतलब वो कर देता है। होता है। अभी जो है ना हम को जो पाकिस्तान के हिंदुस्तान के बराबर कोई है नहीं। तरक्की भी अच्छा हो रहा है, देखभाल भी अच्छा हो रहा है, किसी को गाली बोले भी नहीं कहता है। फौजी लोग अपना वहाँ बहन की तरफ घूमता है, यहाँ अपना यहाँ का बहन भाई सब अपना वहाँ बहन की तरफ देखता है। ये फौज जो है बहुत अच्छा फौज है, इनके वजह से तो हम लोग को जहाँ भी जरूरत पड़ता है फौज एकदम मदद के लिए आता है। खुदा नास्ते यहाँ के मतलब वो जख्म आपका हार लग गया तो फौज पहले फौज आ जाता है, उन्हें मदद करता है। मतलब अगर कहीं सैलाब आ जाता है, बाढ़ आता है, उस पर फौज पहुंच जाता है। यहाँ बर्फबारी वगैरह काफी होती है? नहीं, बमबारी जो है सिर्फ 99 में तो बहुत नहीं, नहीं बर्फ बर्फ वगैरह बर्फ पड़ता है, पड़ता है बर्फ जो है ना आधा फुट ज्यादा ज्यादा गिर गया तो आधा फुट ठीक है या फुट हो जाता है, वरना 4-5 इंच से ज्यादा नहीं होता है। मतलब समय ने आपके जख्म को भर दिया है ना। चलो अंकल बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। शुक्रिया सर। ओके सो वी आर बैक टू होम स्टे। आज हम जाके आए हैं याक्षी, तुर्तुक एंड थांग, दैट इज लास्ट विलेजेस ऑफ इंडिया। अभी इवनिंग टी एंजॉय हो रही है एंड कल का जो प्लान है वो है पैंगोंग जाने का। अभी रात को इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन होगी कि कल पैंगोंग में रुका जाएगा या फिर पैंगोंग सिर्फ विजिट करके स्टे जो है वो ले में होगा। ठीक है, इसके एक दो रीज़न है एक्चुअली, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। तो हम टाइम शॉर्टेज थोड़ी चल रही है। सेकंड थिंग, आज रास्ते का कोई वापसी का ब्लॉक इसलिए नहीं बना बिकॉज थोड़ा लेट हो गए थे एंड वी आर ट्राइंग कि हम टाइम पे पहुंचें ताकि जो डबल हम कैमल राइड है उसे इंजॉय किया जा सके। लेकिन रास्ते में रोड कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उसकी वजह से काफ़ी टाइम वहाँ पे वेस्ट हो गया एंड टाइमली हम नुब्रा में हुंडर में सॉरी वापस नहीं पहुंच सके एंड देयरफॉर कैमल राइड पॉसिबल नहीं हो पाई। एंड कल यहाँ से अर्ली मॉर्निंग निकलना है फॉर पैंगोंग। तो ठीक है, अभी हम अपनी टी इंजॉय करते हैं एंड आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर रात को इवनिंग के टाइम डिनर पे। ठीक है, अंटिल देन सी यू।